मंच पर और मंच के नीचे भी विराजमान सभी परम श्रद्धेय संत मंडली को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। उपस्थित सभी श्रोतृवृंद को भी मेरा प्रणाम। सत्य, अहिंसा, शांति और समता। आज योग ऐसा है कि इस कार्य को चले 800 साल चल रहा है, उसका भी देशभर में उत्सव मन रहा है। महाराष्ट्र से ये काम चला तो वहां जरा इसका विशेष बोलबाला है, वृत्त पत्रों के विशेषांक वगैरह चल रहे। तो वो जो 800 साल से प्रयास चल रहा है उसका 800वां वर्ष मनाने के जो सारे प्रयास हो रहे हैं, उन प्रयासों को स्वाभाविक है मेरा तो समर्थन नहीं, मेरा यानी एक व्यक्ति के नाते नहीं, संघ के स्वयं सेवकों का समर्थन रहता ही है ऐसे कामों को, क्योंकि उसमें समता है और हिंदू समाज को संगठित करना है तो समता अनिवार्य बात है। सामाजिक समता और हिंदू संगठन, ये दो समानार्थी शब्द है, ऐसा पूजनीय बाला साहब देवराज जी हमारे तृतीय सरसंघ चालक कहते हैं। और शांति सबको चाहिए क्योंकि शांति में से ही उन्नति होती है, और हम सब लोग भारतवर्ष की भारतीय समाज की उन्नति चाहते हैं, और केवल हमको उन्नति नहीं चाहिए, वो नीति के साथ उन्नति चाहिए। तो भारतवर्ष में सत्य की प्रतिष्ठा है, ये सत्य पर चलने वाला देश है, सत्यमेव जयते वाला देश है। और इसका प्रयास हमेशा ऐसे रहा है, जीने का तरीका ऐसा सिखाओ कि हम भी जिए और दूसरों को जीने दें, इसी को कहते हैं अहिंसा। भाई चार बातें देखी तो समानार्थी शब्दों में धर्म का वर्णन है, धर्म के चार पैर है। पहला है सत्य, वो जैसा का वैसा हमने उच्चारित किया है। दूसरा है करुणा, करुणा ही अहिंसा की जननी है, मन में दया आती है, मन में अपनेपन के कारण एक लगाव रहता है तो मनुष्य विचार करता है मेरे कारण दूसरे को धक्का न पहुंचे। और तीसरा है पवित्रता। अब ये सत्य पर चलना और किसी को दुख नहीं देना, ये वही आदमी करता है जो विचार, वाणी और कर्म से पवित्र हो, यानी शरीर मन बुद्धि से पवित्र हो। बाह्य शुचिता, अंतर्गत शुचिता, दोनों चाहिए, और ये अपने आप नहीं होता, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। उस तपश्चर्या को धर्म का पांचवा पैर, चौथा पैर के। अब वही बात है, अंतर्बाह्य शुचिता जिसके पास है वो सबको उसी आत्मीय और पवित्र नजर से देखेगा तो उसको कोई छोटा बड़ा दिखाई नहीं देगा, सब अपने दिखाई देगा। छोटे बच्चे घर में होते हैं, बड़े बूढ़े होते हैं, अपने अपने स्थान के अनुसार उनका मान सम्मान व्यवहार सब होते रहता है, लेकिन मुख्य बात ये रहती कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, घर में सब अपने होते हैं। और इसलिए छोटा बालक भी थोड़ा बीमार हो गया तो बड़े व्यक्ति अपने अधिकार को छोड़कर उसके लिए ज्यादा करते हैं, स्वयं को थोड़ा पीछे रखते। घर के बड़े बूढ़ों की सेवा जो कमाना जिन्होंने बंद कर दिया है, और दवाई का खर्चा जिनका बढ़ जाता है, उपयोग तो कुछ नहीं खर्चा बढ़ गया, ऐसा नहीं सोचते, क्योंकि ऐसे होने के बाद भी वो हमारे अपने हैं। इस अपनत्व के आधार पर 800 साल से ये काम चला है। और दूसरा योग है कि इधर की ओर इसकी जो सभा बनी उनका ये 125वां वर्ष शुरू हो गया 14 अप्रैल,
14 अप्रैल का समानता से संबंध है, समता से संबंध है। आज जिनकी जयंती सारे देश में मर रही है, उनका भी सामाजिक विषमता समाप्त करने का ही जीवन कार्य है। तो ये सारे योग एकत्र आए हैं और इस अवसर पर मैं आप लोगों में उपस्थित हूं, मुझे बहुत आनंद हो रहा है, क्योंकि पहली बार जब मैं अमरावती के पास भानखेड़ा में और अपने धर्म सम्मेलन में गया था, वो पहली बार ही था, संघ का कोई व्यक्ति सम्मेलन में आए ये भी पहला ही था, और वहां ऐसे कहा गया कि आज हिंदू समाज ने आखिर हमको अपना कहा, तो मुझे उसका आनंद भी हुआ और दुख भी हुआ कि 800 साल ये क्यों नहीं, पहली बार हमने किया तब हुआ, ये कारण, ये इसका कोई कारण नहीं था, ये सब अपने ही लोग हैं। चक्रधर स्वामी जी ने गीता के आधार पर ही धर्म ही बताया, और क्या है, भारत धर्म प्राण देश है, भारत का प्राण धर्म है, अगर हम धर्म छोड़ देते तो हम भारत के नहीं रहते। और धर्म यानी केवल कर्मकांड नहीं, वो चार बातें सत्य करुणा शुचिता तपस्या, अथवा आपकी आज की शब्दावली में सत्य अहिंसा शांति समता, इसका आचरण होना चाहिए, इसका भाषण होते रहता है, सब लोग करते रहते हैं, जो चक्रधर स्वामी के कार्य में नहीं है वो भी वही करते रहते हैं, यूनो के अध्यक्ष भी वो हिंदू भी नहीं है वो यही कहते रहते हैं, क्योंकि इसका विरोध कोई भी मनुष्य कर नहीं सकता, ये मनुष्यता के विरुद्ध है इसका विरोध करना, और ये जीवन का सत्य है, लेकिन मुख से उसकी भलाव नहीं करना बात अलग है, इसका आचरण होना चाहिए, और समाज में सतत धर्माचरण चले, इसलिए अपने स्वार्थ को छोड़कर जीवन के सत्य में सतत संबद्ध रहकर समाज में विचरण करते हुए अलख जगाने वाली मंडली संतों की मंडली रहती है, और वो मंदिर खड़े करते हैं, इसे केंद्र बनाते हैं, जहां से इस संदेश का बौद्धिक और व्यावहारिक भाग सारे समाज में प्रचलित हो जाए, यानी हमको ये ज्ञान भी हो सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, शांति क्या है, समता क्या है, और जो ज्ञान है वैसा व्यवहार भी हो, तो केवल ज्ञान का उपयोग नहीं, पोथी बड़ी बड़ी जगम हुआ पंडित भयानक हो, सब पोथियों का सार है अपनापन प्रेम, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो मंदिरों का यह महत्व है, मंदिर का केंद्र मूर्ति होती है, वो मूर्ति ऐसी होती है, भगवान अपने यहां श्री कृष्ण है, चक्रधर स्वामी है, श्री गोविंद प्रभु जी है, इनका जो जीवन हमको पता है उस जीवन को देखेंगे तो इन चार ही तत्वों की प्रतिमूर्ति वो सब है, सब प्रकार के परिस्थितियों में इन तत्वों का व्यवहार कैसे करना है, व्यवहार अलग अलग हो सकता है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन तत्व बिना छूटे उसको बढ़ाने वाला व्यवहार हो, जब जो आवश्यक है सब करना है, लेकिन वो तत्व को छोड़ के नहीं करना है, तत्व को बढ़ाकर ही करना है, ये कैसे किया जाए, ये कसरत जीवन में करनी पड़ती है, उसका उदाहरण वो मंदिर की मूर्तियां हैं, और वो वहां केंद्र में है, वहां से प्रेरणा लेते हैं संत, उस प्रेरणा का प्रचार प्रसार तत्व में और व्यवहार में करते हैं, बोलने में विचार में और आचरण में करते हैं, इसलिए ये मंदिर, सब प्रकार के मंदिर, सब पंथ संप्रदायों के मंदिर, भारत के जीवन का, जब से मंदिर बनना शुरू हो गया मध्ययुग में तब से केंद्र रहे, आज भी अपने अत्यंत और कठिन अवस्था में भी इन मंदिरों में जाके हम लोग सुकून पाते हैं, दर्शन करके हमको समझ में नहीं आता हम क्या पा रहे हैं, लेकिन उस मूर्ति को देखते हैं, उसका चरित्र याद करते हैं, उसको भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, और वरदान कुछ भी मांगे वास्तव में हम उसको वो व्यवहार की प्रेरणा मांगते हैं, तो मन शांत हो जाता, और शांत मन में सब ठीक बातें आती है,
अस्थिर मन में सब गलत बातें आ रही। अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। जब आदमी का मन खलबल में रहता है, व्यग्र रहता है, अशांत रहता है, तो उसने कोई अच्छा काम भी किया, कोई प्रसाद भी दिया, तो भी वो भयंकर हो जाता है। जंगल में भालू होता है, वो हमला करता है आदमी पर, दिखाई और पकड़ के उसको फाड़ डालता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो भालू हमला नहीं करता, उसको आदमी अच्छा लगता है इसलिए उसको पकड़ता है, और पकड़ के उसको हंसाने के लिए गुदगुदी करता है। लेकिन स्वयं अवस्थित है, नाखून बड़े हैं, तो उसकी गुदगुदी से अपने सीने पर घाव हो जाता है, पेट फट जाता है। क्योंकि वो अवस्थित है, वो प्रेम से भी कुछ कर रहा है हमारे लिए, आपत्ति हो जाती है। मंदिर में हमको मन की शांति मिलती है, शांत मन में सब अच्छी बातें अपने आप प्रवेश करती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव अच्छा ही की हो जाता है। हमारी आंखों में अगर विषमता का विष चढ़ गया है तो उसको उतार दे। चक्रधर स्वामी ने क्या किया, तत्वज्ञान तो गीता का ही बताया, लेकिन तत्वज्ञान वही बताया लेकिन व्यवहार करके बताया। उस समय इस ज्ञान के अधिकारी जिनको नहीं मानते थे उनको जोड़ा, महिलाओं को ज्ञान का अधिकारी नहीं मानते थे। कहीं हमारी प्रचारिका महिलाएं तब से बन रही है, ये आज की बात नहीं है, उस समय में यह सोचा गया। इसलिए सोचा गया कि संतों को जो समग्र दृष्टि प्राप्त होती है उनके पास, और उस समग्र दृष्टि को सारे समाज को देने का बीड़ा उन्होंने उठाया। ये ईश्वर का ही काम है, ईश्वर की प्रेरणा से होते, ईश्वर के अवतार करते हैं, संतों के द्वारा आगे बढ़ता है। हम लोगों को इसमें हाथ लगाना है। मैं क्यों आता हूं, वहां भी आया, अमरावती नागपुर में भी मिला, उसके बाद सोलन में गया, आज यहां पर आया, खतौली में जाने वाला, और अगले सत्र में देखते हैं तेलंगाना का भी क्या बनता। तो ऐसे लोग जरूर निकलेंगे समाज में कि ये संघ के सरसंघ चालक को जयकृष्णियों का, महानुभावों का बड़ा प्रेम है। प्रेम तो हमारा सबके साथ है, पूरा समाज अपना है, और जिस समाज के हम है वो समाज पूरी मानवता को अपना मानने वाला है। महाराज की जय। हे विश्वची माझे घर, ऐसी दयाची मति स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची गाला। ऐसा जिनका वर्णन करते हैं वो संत जहां जहां होते हैं, वो काम मेरा अपना ही है, इसलिए मैं आता हूं। मेरे से कुछ हाथ लगता है, काम हो जाए। अब उनका भी नाम मोहन ही है, मोहन बाबा ही है, और वो भी बड़े प्रेमी भक्त है, तो वो बहुत कौतुक करते हैं और सारा श्रेय मुझे। ऐसा नहीं है, ये काम ऐसा है, इसका समय आया है, इसका समय आया है। अपने देश में धर्म का उत्थान हो रहा है, ये वासुदेव कृष्ण की इच्छा, ऐसा योगी अरविंद ने कहा है। इसलिए धर्म के उत्थान के साथ भारत का उत्थान, ये प्रक्रिया चल पड़ी है और ये पूर्णता की ओर जाएगी, ये पक्का है। और इसलिए आपके इस प्रचार कार्य के, संप्रदाय के कार्य के, धर्म के कार्य के उन्नति के लिए जो जो साधन आप पाने का प्रयास करते हैं उसमें आप सफल हो रहे हैं। हम जुड़ते हैं वो हमारे लिए भाग्य है कि हम निमित्त बन रहे हैं। किसी के अकेले के कहने से सरकार नहीं करती, उनको पता चलता है ये जो बताया गया है, हाँ ये काम सच्चा है, ये होना चाहिए, ऐसा वो कन्विंस हो जाते हैं, तब वो करते। जिस किसी का शब्द वहां जा सकता है, उन सब का काम है ऐसे काम को हाथ लगाना। तो आपको तो वहां शब्द ले जाने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इस मंदिर को बड़ा कर सकते, अच्छा कर सकते, उसके लिए व्यय आदि की व्यवस्था, व्यवस्था में कुछ प्रबंध वगैरह करने के लिए समय, ये सब दे सकते हैं।
स्वयं अपने संप्रदाय निर्दिष्ट भक्ति के मार्ग पर नाम स्मरण पर रोज चलकर इस संप्रदाय को ऐसे बढ़ा सकते हैं। आचरण से धर्म बढ़ता है, वो आचरण आप कर सकते हैं। और इसके प्रचार प्रसार में समय देना, शब्द देना, जो कुछ आप दे सकते हैं जिससे उपयोग होता है वो देकर आप इसको बड़ा कर सकते, क्योंकि ये काम भगवान का है। संत इसको हमारे दरवाजे तक लेके आने वाले लोग हैं, लेकिन ये करना हमको है। भगवान स्वयं काम नहीं करता। गीता में भगवान ने ये नहीं कहा अर्जुन ने, जब कहा नहीं लड़ता हूं, भगवान ने कहा ठीक है तू नहीं लड़ता तो क्या, मैंने सब पहले रच के रखा है, अब मैं ही कर देता हूं पूरा। भगवान कर सकते थे, उन्होंने वैसा नहीं किया। रणांगण के बीच में 18 अध्याय गीता बताई अर्जुन को, उसको तैयार किया, उससे करवाया, स्वयं केवल रथ चलाया। तो भगवान अपने हाथ से काम नहीं करते। भगवान है करोनी अकर्ता, करके भी अकर्ता रहते। गुरु नानक देव जी ने कहा बाबर के आक्रमण का वर्णन करते समय कि कुछ अहंकार हो गया यहाँ के समाज को, तो सबक सिखाना था तो क्या किया, आपे दोष न लेवे करता जमकर मुगल चढ़ाया। तो सबक सिखाने के लिए स्वयं पर दोष भगवान लेते नहीं, तो मुगलों को निमित्त बनाया यहां तबाही का। भगवान की पद्धति ऐसी है, अच्छा करना हो बुरा करना हो कुछ भी, बुरा तो होता नहीं, सृष्टि आगे ले जाने के लिए जो कुछ करना हो वो स्वयं करते नहीं, करवाते है। तो भगवान के कार्य का करने वाला बनना, नौकर बनना उसका, जो बताया जाता है वो करने वाला, ये सौभाग्य मनुष्य को मिला है और किसी प्राणी को नहीं मिला। उसके लिए उसके दिमाग में बुद्धि रखी है, चिंतन रखा है, उसका उपयोग करके इस कार्य को बढ़ाने वाली सब बातें हम अपने अपने सामर्थ्य शक्ति के अनुसार पवित्र मन से, पवित्र वाणी से, सबके प्रति सम दृष्टि रखकर करते चले, इसलिए आज इस समारंभ का आयोजन हुआ ऐसा मैं मानता हूं। और इसलिए इस प्रयोजन को आपके सामने रखता हूं। इस रखने में मेरी छोटी बुद्धि के कारण कुछ कम अधिक हो गया होगा, तो यहां उपस्थित सभी अधिकारी वर्ग की क्षमा याचना करता हूं, और मेरा आपने सुन लिया इसलिए आपको धन्यवाद देता हुआ मेरे विचार पूर्ण करता हूं। नमस्कार जी।